गुरुवार को आपका स्वागत है की सलाम। आज जावंत्री गुजराती में जिसको हम जावंत्री कहते हैं जावित्री उसके बारे में चर्चा करेंगे इसको इसी सीत में सीत के लहर में ठंड में याद किया है सब ने याद किया होगा अपने घर में तो ऐसा नहीं कि ये कोई नहीं जानते लेकिन क्यों इसमें इसी ऋतु में इसको क्यों हम इसका यूज़ करते हैं या स्पेसिफ़िक चीज़ में क्यों डाला जाता है जावंत्री और कोई चीज़ में क्यों नहीं डाला जाता या तो क्यों नहीं डाला जाना चाहिए हाँ हम परंपरा से कुछ करते हैं तो पता नहीं नहीं कर नहीं करते उसका भी पता नहीं कही क्यों नहीं करना चाहिए तो तो लौंग कब यूज़ होता है इलायची कब यूज़ होती है फिर चरौ चिरोंजी चारोड़ी कब यूज़ होती है बादाम का कब उपयोग करना चाहिए काजू का क्या महत्व है स्पाइसिस है या ड्राई फ्रूट्स है हा? या नट्स है इसलिए वो अच्छा ही है ऐसा मान के हम लोग मानते हैं क्योंकि वो महंगे हैं जैसे हमको लगता है कि भाई जो नट्स है वो अच्छे ही होंगे क्योंकि बहुत महंगे हैं अब मालूम नहीं कि मूंगफली और चना में कितना प्रोटीन है कितना ताकत वाला है जो पीढ़ियों से हम खाते खाते हमारे लोग आए काजू तो हमारे पुरखों ने खाया नहीं था और आज हर बच्चे को काजू मिलता है हम कहते हैं ना काजू खा तू तेरा बादाम खा तेरे दिमाग की घंटी बजेगी अब अब घंटा तो उसका बजा देगा उसके बाप का लेकिन पता नहीं खाते हैं तो बादाम बुरा है ऐसा नहीं मैं मैं कहता लेकिन वाकई में कौन सी चीज़ कितनी उपयोगी है उसमें क्या गुण है वो समझेंगे तो और उसका सिग्निफिकेंट या उसका यूज़ का पता चलेगा तो जावंतरी को क्यों हम याद करते हैं जैसे जावंत्री जहाँ पड़ती है वहाँ जायफल नहीं पड़ता जो इसके अंदर ही है हा? तो इन, इसका मतलब कि कुछ दरक हर चीज़ का अपना अपना उपयोग है तो जावंत्री जो एक स्कीन है स्कीनी लहर है लेर है प, परत है जो नटमेक काल नटमेग के ऊपर नटमेक यानी जायफल, अपने जाना जामफल नहीं है जायफल यानी जो स्पाइसीस है उसके ऊपर तो उसके ऊपर की ल, परत है वो उसका अगर आकृति देखे इतनी जैसे जाली बिछाई है ऐसा उसके ऊपर आ दिया तो अपने तोड़ा हुआ है लेकिन उसकी जाली बिछी है ऐसा लगता है अब वो उसके जनरल गुण क्या है तो वो स्पाइस है मतलब तेजानो गरम मसालों है अब स्पेसिफिक ये एक विशिष्ट एरोमेटिक प्लांट है या एरोमेटिक चीज़ है सुगंध देने वाली ना सिर्फ सुगंध देती है लेकिन उनकी सुगंध से पीड़ा दूर होती है दर्द दूर होता है उनकी जो है आप ऐसे सूंगेंगे या उसके इसमें से जो ऑयल बनता है तो ये जो ऑयल है वो पेन हीलर है पेन किलर है तो ये इतना याद रखिए कि ये सुगंध वाली चीज़ें जितनी भी होती है लौंग का तेल है जैतून का तेल है या जो हम कहते हैं कि इसका दालचीनी का तज तज का तेल है जितने भी ऐसे स्पाइसेस में से ऑयल निकलते हैं तो वो सब ऑयल पेन किलर ज़्यादा है कोई भी ऑयल पेन किलर ही है जैसे तिल का तेल भी पेन किलर है तो तिल में से निकला हुआ है या इस नट में से निकला हुआ है इन जनरल तेल होता है पेन किलर लेकिन जितनी फ्रेग्रेंस और सुगंध ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पेन किलर है जैसे लौंग का बहुत पेन कम कर देगा वो दांतों का करेगा तो इसी तरह से ये दांत के पेन में इसका भी बड़ा उपयोग है इसका तेल आप घर में भी बना सकते हो और बाहर भी बाज़ार में जो भी एसेंशियल ऑयल के नाम से मिलता है अब ये जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स है एरोमेटिक्स यानी जिसका सुगंध से पता चलता है वो सब कार्बोनेटि या डाइजेस्टिव ज़्यादा है भूख लगाने वाला ज़्यादा है और पचाने वाला ज़्यादा है वो याद रखिए कोई भी सुगंध वाला हो इलायची हो लौंग हो तो जिसमें उडयनशील तेल है उडयनशील तेल उडयनशील तत्व है उडयनशील यानी उड़ने वाला एरोमेटिक हवा में उड़ने वाला और आप खुला रखेंगे लौंग का तेल तो खराब हो जाएगा तो जितने भी ऐसे उडयनशील ऑयल होते हैं तो तेल होते हैं वो पचाने में मदद करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है वो इतना एक इन जनरल याद रख लीजिए और पेन किलर पेन हीलर है तो जितने भी स्पाइसीज़ है उसका क्यों उपयोग है वो आज समझ लंतरी को समझने से पहले हम मैं हर बार मौलिक बातें मैं कोई नई बातें नहीं कहता लेकिन जो बेसिक बातें होते हैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम स्पाइसीज़ का यूज़ क्यों करते हैं तीखा लगता है सुगंधी लगता है या गरम मसाला सब मिला के करो गरम मसाला नाम की कोई चीज़ नहीं याद रख लीजिए फिर वो जो बोलते हैं पाव भाजी का गरम मसाला वो बोलते हैं कि चना छोले का मसाला फिर बोलते हैं तो इसका मतलब वो कुछ बेचना चाहता है वो सही बेचना नहीं चाहता है पाव भाजी के लिए आप कुछ भी मसाला बना सकते हो पाव भाजी का कोई मसाला नहीं होता आपको दिया जाता है आपको समझाया जाता है इसलिए आपके नाक में एक सुगंध बैठ गई और एक ब्रांड बैठ गया कि वो पाव भाजी का मसाला है तो पाव भाजी नाम नमनी कोई दम की चीज़ क्योंकि उसमें अगर भाजी है तो हर प्रकार की भाजी है तो भाजी है उसमें कुछ भी आप आप क्या फ्रेग्रेंस डालना चाहते हो आपको क्या करना है वो समझ लेना चाहिए तो छोले का मसाला चने चाट का मसाला ऐसा नहीं होता क्योंकि उनको बेचना है इसलिए उसने कॉम्बिनेशन बनाया उसका नाम दिया उसका ब्रांड दिया इसलिए हमको लगता है कि पाव भाजी नो मसाला आपको तो फिर वो पाव भाजी का उसको बेचने का एक आसान तरीका हो गया पहले क्या क्या होता था कि आज कौन सी रसोई बनानी है तो कौन सा स्पाइस यूज़ करना है जैसे कुछ भी खट्टी चीज़ आपको छोंका लगाना है जैसे कच्ची केरी तो किसका छोंका लगेगा बहलो बहनों बताइए वगैरह कैनो करवानो तो उसमें तज और लौंग का या दोनों का या एक का खट्टी है चीज़ तो उसको इसका लगेगा तो उसके जो दुर्गुण है अवगुण है या कच्ची केरी से गला पकड़ सकता है या जॉइंट पकड़ सकता है तो वो टूट जाएगा इसलिए उसका छौंका लगता है उसमें फिर आप इसका जो जावंत्री का छौका लगाओगे तो नहीं चलेगा जावंत्री किस में पड़ती है बोलो अर्द वो अड़द का एंटीडोट है उड़द है वो सबसे ज़्यादा ताकत वाला है और उसको पचाने की दिक्कत है तो हर चीज़ का केला मैं केला के बारे में अक्सर बताता हूँ इसलिए याद रह जाए इसलिए आज फिर से बताता हूँ कि केला अकेला नहीं खाना तो कहते नाना मैं तो मेरे भाई के साथ खाता हूँ ऐसा तो तो ओ एकला एकला गाठिया तो नाना भेगा मिर्चा ऐसे तो मतलब लोग क्या अर्थ करते पता नहीं लेकिन केला आप केला ऐसा नहीं खा सकते कदली फलम तो सदा अपथ्यम शास्त्र कहता है कदली यानी केला सदा अपथ्य है नहीं खा सकते तो क्योंकि केला तो इतना अच्छा है और इसमें इतना पोटेशियम है इतना तो हाँ शास्त्रों कार कहते हैं नहीं ऐसा नहीं कदली अकेला नहीं खाना उसमें खाओ तो इलायची डाल के खाओ और या तो घी डालो घी शक्कर इलायची ये तीनों मिला के करोगे तो और पचने में नहीं तो जुकाम होगा किसी को केला खाने से सर्दी हो जाती है जुकाम हो जाता है लेकिन उसमें घी डालेंगे शक्कर डालेंगे इलायची डालेंगे तो सर्दी जुकाम नहीं होगा और किसी को बाद ही होती कब्जी हो जाती है तो कब्जी भी नहीं होगी तो कदली के केले के दो प्रॉब्लम होते हैं या तो जुकाम करेगा और या तो गैस बद बदअज़मी कब्जी करेगा तो दोनों नहीं करवाना है और केला का गुण भी लेना है तो उसमें इलायची डालना पड़ेगा घी डालना पड़ेगा मैंगो बहुत अच्छी है मैंगो केरी लेकिन अगर उसका ऐसे आप गोर के खाएंगे मतलब चूस के खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन रस निकाल के बाहर निकाल के खाएंगे तो वो गैस करेगा पेट में तकलीफ़ करेगा और वैसे भी ज़्यादा मैंगो अगर खाओगे तो पेट में तकलीफ हो सकती है तो उसमें क्या डालो सूठ डालो जामुन काला जामुन जो फ्रूट जामुन है वो खाना है तो किससे खाएंगे हींग और संचड़ डाल के खाएंगे जामफड़ अभी आता है अमरुद तो उसमें क्या डालना है काली मिर्च डालना है ककड़ी खानी है तो ककड़ी के ऊपर नींबू डालना है ककड़ी के ऊपर प्याज प्याज नहीं तो एसिडिटी कर सकते प्याज के ऊपर नींबू और नमक डालो तो ठीक होगा तो हर चीज़ गुण वाली तो है कुछ उसमें अवगुण है उड़द बहुत गुण वाला है उड़द ताकत वाला है इस सीज़न में ही खा सकते हैं आप गर्मी में उड़द की दाल नहीं खा सकते उड़द अलदिया खाओ गर्मी में प्रॉब्लम करेगा क्योंकि तो वो पचेगा ही नहीं इसमें डाइजेशन की बहुत ताकत चाहिए लेकिन वो करते करते वो डायरिया कर सकता है या गैस कर सकता है उड़द तो उड़द की दाल बनानी है तो किसका चौंका लगाना दाल बनानी है तो तो लहसुन का लेकिन अगर उसको स्वीट बनानी है तो जावंत्री चाहिए क्योंकि तो उसमें शक्कर आएगा घी आएगा और हैवी होगा तो जावंत्री से अगर उसका छोखा तो लगाना नहीं है तो इसका पाउडर करके जावंत्री उसमें डालनी है और वो जब कब डालेंगे जावंत्री बोलो पहले बोला अर्धिया सब बनाते हो हाँ जब गर्मी से नीचे उतार लेना है जब मिक्स करते हैं तब डालनी है नहीं तो, तो ये जल जाएगा इसमें उड्डयनशील तत्व है तो वो चला जाएगा तो कब डालना जैसे कि पहले थी पहले जावंतरी साहब आज जावंतरी विषे समझाव्य है पहले जावंतरी पची अड़द ने सैकुन तब तो मतलब खुश हो जाते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं तो बस आज आज जान लिया जावंतरी को उड़द का एंटी एंटीडोट है तो कब डालना लेकिन वो भी एक है कब डालना क्यों डालना कैसे डालना कितना डालना तो ये स्पाइसिस है वो एंटीडोट है हर चीज़ का और कोई भी स्पाइसीस पचने में दिक्कत नहीं करता पचने में मदद करता है इसलिए बाक़ी चीज़ को पचाने में मदद करेगा जो छोंका लगता है कोई भी छोंका वो छोंका क्या है वघार छोंका तड़का जो भी आप बोलते हिंदी में तड़का बोलते हैं वघार अपने गुजराती में बोली छोंका लगा रहा है ऐसा भी बोलते हैं तो मूल शब्द है आपने कह रहे जब करें राई जब डालते हैं उसमें तो क्या आवाज़ आती है ना अब राई डालते हैं तब आवाज नहीं आती छम हाँ राई तो पप तब फूलती है और लेकिन जब उसमें सब्जी डालते हैं तब क्या होता है छम तो एक्चुअली क्या है मूड शब्द है संस्कार कोई भी चीज़ बिगड़ी हुई है या बिगड़ सकती है या प्रॉब्लम कर सकती है अभी नहीं खराब लगती लेकिन उसको जब बड़ी होगी तब पता चलेगा अभी तो एकदम हरा पौधा लगता है जब धीरे धीरे बाहर आएगा और फिर लगे ओ इसमें तो काटा है तो बबूल निकला हम फिर बहुत प्यार करेंगे वृक्षारोपण वृक्षारोपण और फिर पता चल गया ये वृक्षारोपण तो नहीं कर रहा था बेटा तो बहुत सियाना अच्छा रूपाड़ा घोड़ा चिट्टा दिखता है लेकिन जब बड़ा होता है तब तो अपने बाप को बोलता है भाग तो तब पता क्या सला आने मोटो करो तो इटला बाटे बेटे पाना बांधी मोटो करो तो माँ बहुत बोलती है ना तो वो इसलिए उसके पहले से पता नहीं कब क्या करेगा कुछ और छोटा तो बहुत स्मार्ट दिखता है बच्चा सबको प्यारा लगता है सब किशन का नहीं आए होता है लेकिन उसको संस्कार कर... पहले से ही देना पड़ता है कब कब होगा पता नहीं इसलिए संस्कार पहले से ही देते रहना पड़ता है वो कब काम में आएगा वो भी बता नहीं फिर भी माँ बोलती है एम नहीं करती एम नहीं कर तो आम बेस ऐसा करना चाहिए तो वो जो चीज़ को हम संस्कार कहते हैं उसी तरह से कोई भी सब्जी हो कोई भी फल हो कोई भी दाल हो खास करके जो पचने में जिसको दिक्कत होती है जो कच्चा नहीं खाया जाता उसको संस्कार करना पड़ता है तो संस्कृत शब्द है संस्कार यानी ठीक करना संस्कारो ही गुणांतराधानम संस्कार इसको कहते हैं जो गुण में अंतर कर देता है जो अवगुण है वो मिटा देता है अवगुण है वो हटा देता है उसको संस्कार कहते हैं तो जैसे आपका गुआर है क्या करेगा गैस करेगा तो गुआर गैस करता है लेकिन गुआर को किसके चौका लगाना पड़ेगा अजवाइन से हाँ और भिंडी को किसका तड़का लगेगा मेथी का आप आते रहिए जो देखो ये उसको तीसरी चौथी बार बोला तो मालूम है तो भिंडी तो को राई का तड़का नहीं लगता जीरे का तड़का नहीं लगता भिंडी फैट और प्रोटीन का ऐसा संयोजन है कि वो पचेगा नहीं वो चिकना है और जब वो पचेगा खुद नहीं पचेगा और साथ में जो रोटी खाई है उसको भी पचने नहीं देगा बदअजमी करेगा भिंडी भिंडी तो भिंडी को मेथी से तड़का लगाना पड़ेगा तो हर चीज़ का अपना अपना एंटीडोट है समझे ऐसे मसाले वगैरियो वो जैसे तैसे नहीं है आपका सेहत ठीक रहे डॉक्टर आएगा ही नहीं जिसको स्पाइसिस हर्ब्स मसाला मसाले जिसको कहते हैं उसका यूज़ करना जिसको आ गया ऐसी बावन चीज़ें हैं ऐसी फिफ्टी टू चीज़ किस में किसका तड़का लगेगा किस में ऊपर लगेगा प्रक्षेप द्रव्य होगा खसखस कब डालते हैं ऊपर से और किस में लड्डू में तो चूरमा का लड्डू का एंटीडोट है खसखस -खस नहीं तो वो पचेगा नहीं वो डायरिया कर सकता है तो चूरमा का लड्डू है वो बूंदी के लड्डू में नहीं डाल सकते बूंदी के लड्डू में क्या डालना है एलची चाहिए हाँ और आपको मालूम है मैंने एक बार इधर बोला था एक दूसरा लड्डू होता है जो बहुत छोटी जैसी बूंदी होती है उसको क्या बोलते हैं बहुत हैवी मोतीचूर मोतीचूर कहते हैं लेकिन मोतीचूर एक्चुअली वो नहीं है वो है एक साई लाडू है मोतीचूर है इसका ही चूर है ये बूंदी का लड्डू को पाउडर कर दिया तो उसको मोतीचूर कहते हैं लेकिन जो करणशाही लड्डू है लड्डू है मालूम है किसका बनता है करणशाई लड्डू तो चने का बेसन का नहीं बनता वो उड़द का बनता है करणशाई लड्डू उड़द की बूंदी बनती है छोटी तो वो तो इतना हैवी होता है तो उसमें इलायची कितनी पड़ेगी जितना है ना आधे से जितनी उसमें इलायची वो खा नहीं सकते या तो खा नहीं सकते या तो पचा नहीं सकते आपको क्या करना है तो इतने मतलब उसमें इतना वो डालना पड़ता है तो फिर उस इलायची की मात्रा कम करने के लिए और और हैवी और मे, डालने के लिए आप फिर उसमें और मेवा डाल दीजिए तो इलायची कम कर, डालनी पड़ेगी लेकिन उसको पचाने के बिना इलायची आप करणसाई लाडू या बूंदी लड्डू नहीं खा सकते तो जो जो चीज़ है तो केसर किस में पड़ेगा जावत तो आज मैंने आपके सामने ये स्पाइसिस के बारे में इसलिए बताया कि ये संस्कार करता है तो सम्यक इति संस्कार जो सम्यक कर देता है ठीक हम कह सीधा उपा रहे हो तो उसको कहते हैं सम्यक यानी ठीक करना जो पचने जैसी चीज कर देगा सम्यक यानी अच्छा करना ठीक करना बराबर करना है इन ऑर्डर तो और दूसरा कहता है संस्कार वो गुणांतराधारम उच्चते संस्कार इसको कहते हैं जो गुण में अवगुण में से गुण कर देता है तो जैसे जात कर्म संस्कार बच्चों को संस्कार करना वो जो अलग अलग जो मनुष्य में होता है उसी तरह वनस्पति में पौधे में शाक भाजी में खान पान में फ्रूट्स में फल को भी खाना पड़ता है इस तरह से आप मैंगो ऐसे खाते रहेंगे बिना सूंठ डाले हुए बिना डाले घी डाले हुए तो आपको मरड़ो यानी कि डिसेंट्री होना ही है आप एक दिन दो दिन में मैंगो में नहीं होगा लेकिन पूरी मैंगो की सीजन है वैशाख में और जेठ तक खाते रहे खाते रहे और आपने उसमें सोंठ नहीं डाली तो फिर थोड़े दिनों में जैसा ही वर्षा ऋतु आएगी आपको डायरिया होने वाला ही है तो इस तरह से और अगर पहले से ही डाला है सोंठ और घी तो पूरी सीजन खा भी लिया और कोई नुकसान नहीं किया तो उस तरह से जामुन की सूजन आएगी तो जामुन खाएंगे लेकिन हींग डाल के खाएंगे काला जामुन मतलब फ्रूट फल फल की बात कर रहा हूँ गुलाब जामुन ही तो हाँ गुलाब हिंग ना किन के भी थे तो उसमें तो इलायची डालनी पड़ेगी उसमें तो इलायची अंदर डालनी पड़ेगी बराबर है तो ये जावंत्री है वो पीड़ा सामक है दांत की पीड़ा उसका तेल जो बनता है या तो आप तेल में उसको उबाल दीजिए उसका पाउडर करके और दांत में लगाइए या उसका पाउडर ही आप दांत में लगाएंगे तो टूथ का टूटे टूट एक यानी दांत का दर्द कम होता है जावंत्री है वो किडनी के लिए अच्छी है इसका अगर हमने यूज़ किया है तो क्योंकि जो जो प्रोटीन हो है, जो हैवी है किडनी के ऊपर लोड पड़ता है तो हम उड़ दिया रोज़ एक चक्कू बेचक्कू तो बातें जमीन खाई कभी एक्चुअली खाना चाहिए भोजन के साथ भोजन में भोजन में शुरू में ही उज खाना चाहिए नहीं खाते हैं और पूरा खा लिया हवेला वड़ दिया अब तो वजन नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा और फिर पचने में दिक्कत होगी तो मतलब ये कब खाना वो भी नहीं मालूम है और कितना खाना वो भी नहीं मालूम है लेकिन खाना तो ज़रूर चाहिए और खाते भी है तो उड़द जैसी चीज़ खानी है तो पचाना पड़ेगा ही उसको तो वो उसमें जावंतरी डालेंगे तो ही होगा तो इस तरह से तो वो पचाने वाली चीज़ पहले ही डाल देते हैं तो और बाकी कोई फिर टेबलेट नहीं लेनी पड़ेगी फिर उसे बीमारी ही नहीं होगी तो डाइजेस्टिव है और जैसे प्रोटीन ज़्यादा जिसमें है तो वो किडनी के ऊपर लोड दे सकता है कोई भी प्रोटीन है बादाम है काजू है जितने नट्स है और जितने ऐसे उड़द या चना है वो सब में प्रोटीन है तो जैन अपने वटाना चना अपने कठोर कही ना कठोर तो पल्सिस जितने हैं वो किडनी के ऊपर लोड कर सकता है किडनी ख़राब हो सकती है हाँ तो इसलिए हम पहले से ही मालूम है कि ये उड़द हम खाएँगे पूरा एक महीना दो महीना डेढ़ महीना तक खाएंगे तो किडनी पे लोड आ सकता है तो जावंतरी है वो किडनी को ठीक करती है तो पहले से ही मालूम है भले कितना डलेगा बहुत छोटा डलेगा मात्रा में लेकिन पहले से एंटीडोट तो फिर किडनी का हम उड़द खाते जाएंगे जावंत्री का मालूम नहीं और लगता है कि बादाम डालो ये डालो जावंत्री नहीं डाली क्योंकि उसका एंटीडोट वही है वो नहीं डाला तो फिर आगे जाके किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है तो वो इसलिए हमारे पुरखे लोग डालते थे हमारे सीनियर लोगों ने जो कॉम्बिनेसन बनाया था उस कॉम्बिनेशन गलत है ही नहीं मात्र मालूम नहीं हमारी अन्नपूर्णा को माता को बहनों को इसलिए या तो बहुत डालती है या तो डालती नहीं या तो कब डालना मालूम नहीं और फिर खाते रहते हैं और बीमार होते हैं तो भोजन आहार द्रव्य यही औसत द्रव्य है आयुर्वेद में भारत ने कभी खाने के लिए चीज़ अलग और बीमारी के लिए अलग ऐसा सोचा ही नहीं था जो आहार द्रव्य है वही औसत द्रव्य बन जाता है मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आज फिर से और ये YouTube के माध्यम से भरत भाई सबको बेचते हैं तो किसी ने पहली बार सुना या यहाँ भी कोई पहली बार आए होंगे तो जैसे गेहूँ की क्या बनती है रोटी बनती है पूरी बनती है थेपला परोठा तो अलग अलग गुण बनते हैं एक एक चीज़ सिर्फ गेहूँ नहीं है थो, थोड़ा कम पानी डालो और हार्ड लोट बनाओ तो फिर पूरी बनेगी थोड़ा और पानी डालोगे तो फिर परोठा बनेगा और पानी डाल के थोड़ा और सॉफ्ट करोगे तो रोटी बनेगी तो उसमें गुण परिवर्तन होता है सिर्फ परोठा पूरी वेड़मी बाकरी ऐसा शब्द या कलर या आकृति अलग नहीं है उसको पचाने की क्षमता बदल जाती है कितना फुलाना कितना गर्मी देना कितना डायरेक्ट हीट देना कितना अंदर अटा मोड़ डालना वो इतना कॉम्बिनेसन है तो इससे कब पूरी कब खाते हैं ज़्यादा उधिया पूरी खवाए दूधपाक पूरी खवाए तो जब हेवी खा सकते हैं तब पूरी रोज़ नहीं खा सकते कौन खाता है पूरी रोज़ नहीं खा सकते तो, तो पूरी जो है वो कब बर? क्योंकि वो ऑयल से एक तो बनती है तो तेल से तरती है तो हम तेल वाले आइटम कितने खाएंगे नहीं खाएंगे तो वो बनाने की विधि जो है उसमें ही कुछ ज्ञान है कि भाई रोटी तो रोज़ खा सकते हैं दिन में तीन बार खा सकते हैं दिन में पूड़ी खाने लगेंगे तो बीमार हो जाएंगे तो ये बात समझने के लिए उसकी आइटम बनाने की विधि भी इसलिए है ब्रेड एक ही प्रकार की बनती है एक ही जैसे बनती है और हमने कुछ इधर बताया इसलिए वो कहते हैं कि भाई नाना अब मैदा की आटन ये तो गेहूं की ब्रेड है अरे ब्रेड बनाने की विधि ही गलत है ब्रेड ही गलत है जो ब्रेड हम और रोटी गेहूं का रोटी कितनी पच्चीस प्रकार की बना सकते हैं वेड़मी वाली रोटली फुल्का रोटली और जैसे जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो आपको डाइजेशन में ठीक होगी और फिर भी अगर खाते खाते फूंसी हुई फोड़ा हुआ घुमड़ू जने कहीं ना बॉइल्स तो अगर हमारे हाथ में पाँव में कहीं ऐसे बड़ा फोड़की हो गई फुलसी हो गई फोड़ा हो गया और फूटता नहीं तो उसी गेहूँ के आटे को पानी में गर्म करके थोड़ा डालेंगे अंदर हल्दी थोड़ा डालेंगे नमक और गरम गरम लोपरी बना के पोटिस बना के लगाएंगे तो वो फोड़ा पक के फूट जाएगा और हीलिंग हो जाएगा डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा वही आहार आपका गेहूं का आटा है जो रोज़ रोटी बनाता था पूरी बनाता था हम कुछ ना कुछ बनाते हैं वही आहार द्रव्य आपका औषध द्रव्य बन गया तो भारत में वही हल्दी हम डेली डालते हैं साग में दाल में लेकिन जब गला पकड़ गया तो वो हल्दी उधर क्यों डाली थी वो भी मालूम होना चाहिए कि हल्दी उसमें क्यों डाली थी दाल में या सब्ज़ी में और कब डालनी चाहिए ऐसे हल्दी डाल देना सब मसाला मिक्स करके डाल देना जैसे वो कहते हैं गर्म मसाला चने चाट मसाला पाव भाजी का मसाला ऐसा नहीं होता हर चीज़ का इसमें 25 प्रकार के हर होंगे अच्छा भी हो सकता है लेकिन किस में जावंतरी चाहिए किस में इलायची चाहिए किस में सोंठ चाहिए वो मालूम होना चाहिए वो मसाला बनाने वाले को नहीं मालूम है वो बना के बेचता है क्योंकि उसको बेचना बेचना आता है और हमको रसोई बना के हमारे घर को स्वस्थ रखना है तो आहार द्रव्य औषध द्रव्य यही होता है ये स्ट्रेस रिलीविंग है आप एक बार उड़द जब खाते हैं तब स्वीट स्वीट है मीठा है इसलिए पता नहीं है उसमें जो सुगंध है ना वो एरोमेटिक जो प्लांट है ये सु, सुगंध है वो मन को खुश करता है वो प्लेजेंट उसका है तो जो मन का अवसाद है या डिप्रेशन है या मजा नहीं आती है वैसे तो उसका एसेंशियल ऑयल का उपयोग होता है अगर ये जाविंतरी का ऑयल आपके रूमाल में डाल दिया और सुगे कि थोड़ी देर में बहुत मज़ा आ जाएगी तो हेड कम हो जाएगा दात का में तो लगाना पड़ेगा लेकिन हेड में तो सिर्फ सूंघने से ठीक हो जाएगा तो हम उड़दिया खाते हैं तो हमको जो आनंद आता है उसमें सिर्फ मधुर रस है इसलिए आनंद आता है ऐसा नहीं है वो उड़द तो पचेगा तब ताकत आएगी लेकिन जो उस, उसकी जो एक सुगंध है बनता है तब पता चल जाता है खोलते हैं डिब्बा उड़द का डिब्बा खोलते हैं तो प्लान तो एक का होता है लेकिन दो खा लेते हैं क्योंकि मजा आ जाती है तो ये मज़ा आ जाती है तो जो मज़ा आने वाली चीज़ है मतलब अवसाद रोकती है डिप्रेशन गुस्सा कम करता है मन को खुश रखता है ये जावंतरी का बेसिक गुण है जावंती सेक्स को भी ठीक करती है मतलब बढ़ाती है तो विंटर में ये हेमंत ऋतु है तो हेमंत ऋतु में ये सेक्स पावर भी बढ़ाता है तो इस तरह से ये जो जावंतरी है हम एक डेढ़ महीना अभी खाएंगे उड़द के साथ खाएँगे बाकी चीज़ में डालने की ज़रूरत नहीं है आप जैसे काटलू बनाते हैं तो उसमें अलग हर्ब्स है बत्तीसू बना तो बत्तीस चीज़ है लेकिन वो अलग चीज़ है तो कुल मिला के जो जो हर्ब और स्पाइस है उसकी अपने अपनी एक व्यंजन है अपनी अपनी रेसिपी है उसमें डाला जाता है तो जावंतरी इस तरह से आपका दर्द कम करने वाला प्लेजेंट करने वाला डाइजेशन करने वाला सेक्स पावर बढ़ाने वाला ऐसा जावंतरी एक पदार्थ है और ये जैसे जायफल है वो तो डायरिया तो को ठीक करेगा ये डायरिया को ठीक नहीं करेगा या पाचन को ठीक कर सकता है अंदर का जो ये ऊपर का परत है वो जावंत्री है अंदर है वो जायफल उसका वो बिल्कुल अलग गुण है हाँ तो और उसके ऊपर जो होता है उसका फूल का जो बीज होता है वो खसखस है उसका अलग गुण है तो खसखस अलग जायफल अलग जावंत्री अलग एक ही प्लांट की चीज़ है लेकिन सबके अलग अलग गुण है तो इस प्रकार से हम लोग इसको जावंत्री को आज बराबर समझ के अच्छे ढंग से उपयोग करेंगे हर गुरुवार को हम अलग अलग वनस्पति के बारे में फल के बारे में पौधों के बारे में सब्जी के बारे में इसलिए जानते हैं कि हम तंदुरुस्त रहे स्वस्थ रहे इस मौसम जो है हेमंत ऋतु बड़े ठंड लगे लेकिन आप घूमो चलो बाहर जाओ क्योंकि इसमें ही ताकत बन सकती है बाढ़ महीने की ताकत हेमंत और शिशिर में आपने कर ली हेमंत ऋतु का डिस क्या है जो घर में बनता है उसको ज़रा समझ लीजिए हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे इस ऋतु में पूर्ण खाने का इस सब्जी की ऋतु है अगर इस ऋतु में साग नहीं खाया तो कब खाएंगे? तो ये हेमंत ऋतु में ये साग उत्सव होता है ना अभी भगवान को ठाकुर जी को साग का उत्सव होता है तो हम ये अभी तो आएगी जब मकर संक्रमण अभी उंधिया की ऋतु है तो ठाकुर जी को हम क्यों साग का प्रसाद करते हैं सब सब्जी मिला के गुट्टो है ओरो है फिर ये उंधिया है तो मतलब जितना साग खा सकते हो इतना अभी खाओ क्योंकि तो ये ऋतु में सब्जी में अपनी एक विशिष्ट वीर्य रहता है बाकी फिर आप सब्जियाँ नहीं खाएंगे पत्ता भाजी तो चातुर्मास में खा ही नहीं सकते उस समय तो आपको खाना ही नहीं चाहिए इसलिए जैन लोग जो कहते हैं कि साग नहीं खाना तो वो सही बात है सबको वो उस समय पत्ता भाजी का निषेध है ठीक है बाकी कब जब ऋतु आएगी तो कौन सा उस समय खास सब्जी खाना कौन सी ऋतु में कौन सा साग खाना वो भी एक विधि विधान है जब जब आता है तब हमको कहते हैं आप लोग आते हैं हमको बहुत आनंद आता है भरत भाई बहुत मेहनत करके ये वीडियो पूरे भारत में बहुत जगह जाता है दुनिया भर से आता है कि जामनगर में कोई मुझे पूछता है ये पीछे का सीन है तो ये कहाँ से है तो मैं तो भैया तो मैं श्रीनगर गया था तो वहाँ एक वीडियो निकाला <laughs> तो सब बहुत पूछते हैं तो भरत भाई इतने अच्छे ढंग से भेजते हैं तो पीछे का जो सीन है न वो श्रीनगर जैसा आता है तो कभी तो अब तो मैं शिमला था इस गुरुवार को शिमला गया था तो कभी इन लोगों का भी बताओ जो जो जामनगर वासी है ना उसको दिखाओ हाँ तो चलो तो धन्यवाद अगले गुरुवार मिलेंगे